हरे कृष्णा, तो इस्कॉन का मंदिर में केवल भगवान श्री कृष्ण का विग्रह ही क्यों है और भगवान श्री विष्णु का विग्रह कभी देखा ही नहीं? श्री विग्रह जो भगवान श्री विष्णु का मूर्ति है उसमें कभी देखा नहीं, ना भगवान रामचंद्र का मूर्ति देखा है, तो ऐसा केवल कृष्णा ही क्यों? ऐसा नहीं क्या कि कृष्णा जो है वो विष्णु जी का अवतार है? तो इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। और एक और प्रश्न है कि आप लोग केवल कृष्णा कॉन्शियसनेस या कृष्ण भवनामृत क्यों कहते हैं, क्यों विष्णु भवनामृत नहीं या नरसिंह भवनामृत? तो ऐसा इसके प्रश्न है। तो हम देखेंगे ये पहले आंसर जो है। सो कृष्णा विष्णु राम ये सारे जो भगवान का विस्तार रूप है, ये सारे जो है तत्व हैं, तत्व एक ही हैं, लेकिन उनका रस जो है अलग अलग है। ऐसा कहते हैं कि कृष्ण जो है वो पूर्णतम, संस्कृत में है पूर्ण, विष्णु जो है भगवान श्री विष्णु जो है पूर्ण, रामचंद्र भगवान जो है पूर्णतर, और कृष्ण भगवान जो है पूर्णतमा, सबसे ऊंची है। तो अलग अलग ग्रेडेशन जो है ना, ये शास्त्र में लिखा है किस बेसिस से, किस चीज़ के ऊपर है ये भगवान का आदान प्रदान करने का वृत्ति है। तो हम देखेंगे भगवान श्री कृष्णा जो है वो भक्त के साथ अलग अलग रस के साथ आदान प्रदान करते हैं भक्तों, और जब ये रामचंद्र भगवान आते हैं तो रामचंद्र भगवान उसका ज़्यादा मित्र या दोस्त नहीं है, नज़दीक वाला है ना, वो काफ़ी दास्य हैं, काफ़ी सर्वेंट्स हैं। हम देखेंगे विष्णु भगवान तो और बहुत फॉर्मल है ना, उसका है लक्ष्मी है, पत्नी जैसे हैं, और ऐसा कुछ भाई नहीं ना, ऐसा परिवार का ये नहीं है, तो उनका रस जो है उसका आदान प्रदान करने का रिलेशनशिप्स जो है वो थोड़ा कम है। तो तीनों हम देखेंगे, तीनों भगवान ही हैं, लेकिन भगवान जब अलग अलग अवतार लेते हैं तो अलग अलग तरीका है वो आदान प्रदान करते हैं। कृष्णा में सारे प्रकार के लोग को रस आस्वादन कर सकते हैं, इसलिए कृष्णा कहते हैं रसराज है ना, ये पहले रीज़न है। सेकेंड रीज़न हम देखेंगे, आचार्य बता रहे हैं अगर आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का गुण गिनना पड़ता है, ऑफ कोर्स भगवान तो अगणित गुण है, गिन नहीं सकते, लेकिन ठीक है हमारा अंडरस्टैंडिंग करने के लिए गिनना पड़ेगा, तो भगवान श्री कृष्णा जो है टोटल, हम ऐसा सोच सकते कि भगवान श्री कृष्णा है 64 गुण है, 64 क्वालिटीज़ है टोटल। और फिर विष्णु है, इसमें क्या अंतर है, विष्णु जो है 60 क्वालिटीज़ केवल, अरे 4 क्वालिटी कम हो गया। ये 4 क्वालिटी या 4 गुणत्व जो है, 4 गुण जो है क्या है, विशेष है जो कृष्ण के पास है जो विष्णु के पास नहीं, ये आचार्य बता रहे हैं, शास्त्र बता रहे हैं कि वेणु माधुरी, भगवान श्री कृष्ण का सुंदर बंसी या मुरली बजाते हैं वेणु माधुरी, लीला माधुरी, भगवान श्री कृष्ण का अनेक अनेक लीला है, इतना मतलब अट्रैक्टिव है, आकर्षणीय लीला है। दूसरा जो है सखा माधुरी, कि भगवान श्री कृष्ण का बहुत सारे सुंदर सखा है, लीला है। और चौथा जो है रूप माधुरी, भगवान श्री कृष्ण का एक विशेष सुंदरता है। विष्णु जी हाँ सुंदर ही, बट ये 4 गुण जो है अधिक विशेष गुण है जो कृष्ण जी के पास है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण का 64 गुण है, भगवान विष्णु का 7 गुण है, शिव जी बाद में कहते हैं कि 55 क्वालिटीज़ है, और ब्रह्मा जी और जितना भी जीवात्मा है मैक्सिमम वो 50 गुण प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा वर्णन आ जाता है। तीसरा कारण हम देखेंगे कि अलग अलग धाम का क्रम है ना, तो पहले जो है वैकुंठ है, वैकुंठ से ऊंची है, ऊंचा है क्या है, अयोध्या धाम, उसके बाद मथुरा, क्योंकि मथुरा में कृष्णा देवकी और वसुदेव के साथ रहते हैं, कृष्णा भी थोड़ा बहुत मॉडर्न जैसे हैं, मथुरा में सिटी है ना। उसके बाद में हम देखें और ऊंची है द्वारका, द्वारका में कृष्णा रानियों के साथ रहते हैं है ना, और फिर गोलोका। तो अभी हम आएंगे उनका प्रश्न जो है कि इस्कॉन मंदिर में रामचंद्र भगवान का विग्रह नहीं देखता, तो ऐसा नहीं है एक्चुअली, काफ़ी मंदिर में है, खास करके मंदिर जो उत्तर भारत में या बड़े बड़े शहर में जैसे मुंबई है, तो वहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने खुद कहा कि रामचंद्र भगवान का मूर्ति स्थापन कीजिए। क्यों? क्योंकि काफ़ी लोग जो है उनको रामचंद्र भगवान में बहुत आकर्षित है, तो अगर हम हमारा मंदिर भी रामचंद्र भगवान का मूर्ति स्थापित करेंगे तो उनके लिए एक आउटरीच हो जाता है ना, उनका कनेक्टिविटी आ जाता है, क्योंकि
आजकल सोशल मीडिया के कारण लोग का कृष्णा में बहुत आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा ठीक है, कुछ कुछ जैसे मेन सिटी मंदिर हैं जहाँ काफ़ी बाकी नॉर्थ इंडियन लोग हैं, तो उनके लिए थोड़ा रामचंद्र भगवान का विग्रह भी स्थापन करें, इसमें कुछ त्रुटि नहीं है, कुछ गलत नहीं है। कुछ कुछ मंदिर अगर आप दक्षिण भारत में जाएंगे, इस्कॉन के मंदिर हैं, आप देख सकते कि बालाजी का मूर्ति है है ना। तो वो भी एक, क्योंकि लोकल लोग जो है उनका बालाजी के साथ बहुत संबंध रखे हैं, तो इसके माध्यम से मतलब बालाजी और रामचंद्र भगवान है, एक प्रचार के माध्यम से वो कनेक्ट कर रहे हैं लोगों को, कुछ गलत नहीं है। वो भी भगवान का तत्व ही है, तत्व तो सेम ही है, विष्णु ही है ना। और इस्कॉन मंदिर में, कुछ कुछ मंदिर में नरसिंह देव का विग्रह है, क्यों? वो स्पेशल प्रोटेक्शन देने के लिए, एक विशेष संरक्षण देने के लिए भक्तों लोगों को, भी कुछ गलत नहीं है। तो ऐसे भी अलग अलग विग्रह भी है इस्कॉन का मंदिर में, ऐसा नहीं कि केवल राधा कृष्ण के। और अब उसका प्रश्न जो है कि कृष्ण विष्णु का अवतार है, तो वो नहीं है। शास्त्र बता रहे कि जो ये भौतिक संसार को मेंटेन करने के लिए ये विष्णु जी का काम है, लेकिन विष्णु जो है उनके भी कहाँ से आते हैं वास्तव में? वो कृष्णा से आते हैं। कृष्णा जो है गोलोक वृंदावन में रमन करते, एंजॉय करते, बस जब भी इस भौतिक संसार को मेंटेन करना पड़ता है तब कृष्णा जो है, भगवान श्री कृष्णा जो है एक फॉर्मल, एक ऑफिशियल रूप धारण करते, वही विष्णु। ऐसा कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि कृष्णा जो है गॉड एट होम और विष्णु जो है गॉड एट वर्क, है ना। वही भगवान है, लेकिन भगवान श्री कृष्णा जो है वो मेंटेनेंस मेंटेनेंस का काम नहीं पड़ता है, उनको बस एंजॉय करना है ना। इसलिए हम, हमको पता भी है जो सीईओ है बड़े कंपनी की, वो हमेशा एंजॉय ही करते हैं और बाकी लोग काम करते हैं, है ना। तो भगवान श्री कृष्णा जो है इस भौतिक संसार को मेंटेन करने के लिए विष्णु का जी का रूप लेते हैं, और यही विष्णु है जो हमेशा हर युग में अवतार लेते हैं, अलग अलग अवतार है। कृष्णा का अवतार भी लेते हैं सेम, लेकिन ओरिजिनल कृष्णा जो है गोलोक वृंदावन। तो शास्त्र बता रहे कि ब्रह्मा जी का एक दिन है ना, एक दिन मतलब 311 ट्रिलियन साल है, तो जो स्वयं भगवान कृष्णा जो गोलोक वृंदावन में वही आते हैं। और जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण आते उस द्वापर युग में, अगला कलयुग में है चैतन्य महाप्रभु आता है। तो हाल ही अभी का जो कलयुग है, चैतन्य महाप्रभु आया, मतलब पिछले द्वापर युग जो है स्वयं भगवान कृष्णा, ये जो कृष्णा आया पिछले द्वापर युग है, वो विष्णु का अवतार नहीं है, वो स्वयं कृष्णा है। लेकिन बाकी टाइम जो है हाँ, विष्णु जी अवतार लेते हैं अलग अलग, कृष्णा का अवतार भी लेते हैं। तो यही गुह्य ज्ञान है शास्त्र के। और लास्ट रीजन हम देख सकते हैं, हमारा मंदिर इस्कॉन का मंदिर में क्यों केवल कृष्णा है, ये फैन क्लब नहीं है कृष्णा की। जैसे सब लोग आते हैं कि आप लोग कृष्णा का पूजा करते हैं, आप लोग कृष्णा अच्छा लगता है, चलो इस्कॉन में जोड़ो, ऐसा नहीं है। क्योंकि शास्त्र में, शास्त्र का उल्लेख है कि कृष्णा ही परम तत्व है, कृष्णा ही परम पुरुष भगवान है, इसलिए हम कृष्ण का पूजा करते हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री चैतन्य मुनि ने कहा, आराधयो भगवान व्रजे शतनयस् तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गे नवकल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणममलम प्रेम पुमार्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्र दरब्न परा। इसके और पर और श्रेष्ठ ज्ञान नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि पांच चीज जो है जो सर्वोत्तम श्रेष्ठ है, क्या है? आराध्य भगवान व्रजेश तनयस, हमारा आराध्य देव, आराध्य भगवान कौन है? व्रज ईश का तनय। व्रज ईश कौन है? नंद महाराज। नंद महाराज का पुत्र कौन है? कृष्ण। मतलब हमारा टॉप मोस्ट मेन पूजनीय देव स्वामी कौन है? कृष्ण। दूसरा, तद्धाम वृंदावनम, सबसे सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ पूजनीय धाम कौन से हैं? वृंदावन धाम। तीसरा, रम्या काचिर उपासना व्रजवधू वर्गे नवकल्पिता, सबसे बेस्ट उपासक या उपासन करने का या भजन करने का तरीका कौन है? व्यक्ति जो सबसे बेस्ट डिवोटी है कृष्णा की, वो व्रजवधू मतलब गोपियों, वो सबसे सर्वोत्तम है। ये तीसरा हो गया। चौथा, श्रीमद्भागवतम प्रमाणममलम, सबसे बेस्ट प्रमाण है वेद शास्त्र में, सारे वेद शास्त्र जो है सब बढ़िया प्रमाण है, लेकिन
ये सारे वेद शास्त्र के बीच में सबसे बेस्ट प्रमाण, सबसे बेस्ट शास्त्र अमल पुराण जो है कौन है? श्रीमद् भागवतम। पांचवा, प्रेम पुमार तो महान। और जीवन का उद्देश्य है, सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य क्या है, पर्पस है लाइफ की, वो प्रेम का पुमार्थ महान। जीवन का सबसे बड़ा अर्थ है, सबसे बड़ा धन है, क्या है? प्रेम प्राप्त करना। प्रेम मतलब भगवान के लिए कृष्ण प्रेम। तो ये सारे कारण के आधारित में हम लोग कृष्णा जी का पूजा करते हैं इस्कॉन मंदिर में। हरे कृष्णा।